नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं कोलपी मिरर, हर पल आपके साथ। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि जो नारियों का सम्मान है हम उन्हें दे पाए। क्योंकि दुनिया के लिए जितने जरूरी पुरुष हैं उतनी ही महत्वपूर्ण महिलाएं भी हैं। नारी के बिना हम जीवन के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिर भी देखा जाता है कि इन महिलाओं को अपने अधिकार, अपना सम्मान पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों, महिलाओं में अपरिमित शक्ति विद्यमान है। महिलाओं में वो क्षमता है जिसके कारण उन्हें जगत जननी भी कहा जाता है। उन्होंने हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है। अपने अद्भुत साहस, अथक परिश्रम और दूरदर्शी बुद्धिमता से उन्होंने विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मानवीय संवेदना, करुणा और वत्सल जैसे भावों से परिपूर्ण अनेक नारियों ने युग निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों, एक नारी हमारी माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है। तो जिस तरह से हम अपने माँ बहन और बेटियों का सम्मान करते हैं, तो आइए आज इस महिला दिवस के दिन हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि दूसरी महिलाओं को भी वही सम्मान और वही अधिकार दिलाने का हम लोग भी प्रयास करेंगे। मेरा नाम मौमिता सेनगुप्ता है। हम वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ महिला तृणमूल कांग्रेस कुलटी ब्लॉक। मैं आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है। आज जैसे पूरा देश में, पूरा इंडिया में जैसे सब महिला को सम्मान दे जा रहा है, ऐसा मैं चाहती हूँ हर पल, हर मोमेंट, हर दिन महिला को, हर रोज़ महिला को घर में और बाहर में सेम ऐसे ही सेम सम्मान मिले, सेम रेस्पेक्ट दिया जाए। घर से हो, बाहर से हो, सब जगह में महिला को सेम रेस्पेक्ट दिया जाए, यही मैं चाहती हूँ। और मैं यही बोलना चाहती हूँ, सबके लिए मैसेज देना चाहती हूँ, एक ही मैसेज देना चाहती हूँ मैं, कि जैसे भगवान राम के पहले सीता का नाम लिया जाता है, जैसे भगवान कृष्ण के पहले राधा का नाम लिया जाता है, ऐसा ही महिला को, घर का बेटी को इज्जत दीजिए। जैसे घर का बेटी का नाम पहले लीजिए। समाज जब हम लोग देवी दुर्गा को माँ, देवी माँ का तरह पूजते हैं, जब शक्ति का दरकार होता है तो देवी माँ शक्ति के लिए देवी माँ दुर्गा के पास जाते हैं, धन के लिए माँ लक्ष्मी के पास जाते हैं, विद्या के लिए माँ सरस्वती के पास जाते हैं। ऐसा हम लोग भी तो एक नारी है, पूरा समाज में नारी को सम्मान दीजिए, पूरा समाज में नारी को अप्रिसिएट कीजिए, पूरा समाज में नारी को अधिकार दीजिए, नारी को बचा के रखिए और नारी भ्रूण हत्या बंद कीजिए। चारों ओर जो छाया हुआ है नारी भ्रूण हत्या, बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि नारी भ्रूण हत्या बंद कीजिए और नारी को समान अधिकार दीजिए। नारी अगर बाहर जाए तो उसको फेद, उस पर फेद कीजिए, क्योंकि आजकल महिला सब कुछ कर सकती है। जैसे इंदिरा गांधी हम लोगों का इंडिया का पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जैसे ममता बनर्जी हम लोगों का चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल का, ऐसा जैसे एक पायलट, रिसेंट एक पायलट, सबसे बड़ा एग्जांपल है, रिसेंट एक पायलट, महिला पायलट, पुलवामा का एयर स्ट्राइक करके बदला लिया, ऐसा। अच्छा, फिर कल्पना चावला फर्स्ट अभी रिसेंट अंतरिक्ष किया, ऐसा हर महिला को सम्मान दीजिए। महिला भी आजकल सब कुछ कर सकती है। महिला को आगे बढ़ने में उनको इनकरेज कीजिए, उनको अप्रिसिएट कीजिए, यही आप लोगों को रिक्वेस्ट है, हर समाज को रिक्वेस्ट है। मैं घर का बाहर का सबको एक ही बात बोलना चाह रही हूँ कि आज जैसे गोटा देश में महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, ऐसा हर दिन, हर रोज़, हर पल मिलता रहे, सारा लाइफ मिलता रहे, यही मैं बोलना चाहती हूँ। नमस्कार। नमस्ते। आसनसोल हुनर फाउंडेशन की सेक्रेटरी मैं अनुराधा सिंह। नारी
दिवस के अवसर पर एक छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। नारी तुम प्रेम हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की तुम एकमात्र आस हो, हर जन की तुम एक ही आधार हो, नफरत की दुनिया में एकमात्र तुम ही तो प्यार हो। उठो तो अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं हर दिन नारी दिवस मना लो। नारी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। नमस्कार, मैं दीपिका मुराव CFM चैनल के माध्यम से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज ही के दिन स्त्रियों को अपनी एक स्वतंत्रता मिली थी कि वो अपने हक के लिए लड़ सके, अपने लिए एक कदम उठा सके। आज के क्षेत्र में स्त्रियां किसी भी पुरुष से कम नहीं हैं। जहां भी देखिए आपको स्त्रियां पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर चलती हुई नजर आएंगी, चाहे वो ऑफिस में काम करना हो या फिर वायु विमान चलाना हो, कहीं भी आज स्त्रियां पुरुष से कम नहीं हैं। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो आज भी ऐसे बहुत सारी जगह आपको मिलेंगी जहां स्त्रियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन स्त्रियों को आज जागरूक होने की आवश्यकता है, उन्हें अपने हक के लिए खड़े होने की आवश्यकता है। हालांकि उन्हें अपने हक को पहचानना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा कि आज उनके पास ये स्वतंत्रता है कि वो अपने लिए कुछ कर सकें, और इसकी शुरुआत भी महिलाओं को खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि अपनी हक की लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ती है। जी, जहाँ पे हिंदी में एक संस्कृत में कहा जाता है कि यस्य पूज्यन्ते नर्यस्तु तत्र रमन्ते देवता। जी हाँ, जहाँ स्त्रियों को पूजा जाता है वहीं पर देवताओं का भी वास होता है। तो मैं उन सभी पुरुषों से कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी स्त्रियों को दबाए नहीं, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए जागरूक करें। घर में आजकल जितने भी फैसले होते हैं वो सभी पुरुषों के अधिकार में होते हैं, उन्हें ही सब चीज़ का अधिकार होता है। लेकिन उस जगह पे स्त्रियों को भी अपने लिए, अपने अच्छे बुरे के लिए फैसला लेने का उन्हें भी अधिकार है, उन्हें भी ये स्वतंत्रता प्राप्त है। जी, इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद। मैं मनीषा अग्रवाल पुरुलिया जिले के सालतोड़ ग्राम से उपस्थित हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और इस अवसर पर मैं एक कविता पाठ करूँगी जिसका नाम है क्या खूब निभाती हो तुम जिम्मेदारी। इस कविता को मैंने इस उद्देश्य से लिखा है क्योंकि महिलाएं सिर्फ जिम्मेदारियां निभाते निभाते जिम्मेदारियों के बोझ तले मर जाती है, मगर उनके दर्द को, उनके दुख को कोई समझने वाला नहीं होता है। उल्टा उन्हें दुख और अपमान सहने पे मजबूर करता है यह जमाना। इतना ही नहीं, एक स्त्री को जन्म देने से पहले ही उसे मार दिया जाता है, और अगर बदकिस्मती से वह बच भी जाती है तो बड़े होते होते उसे कभी ना कभी यौन शोषण का शिकार भी होना पड़ जाता है। क्या यही स्थिति है समाज की? और हम समाज को एक नारी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, कहने को तो हम कह देते हैं कि स्त्रियां देवी समान होती है, मगर सच कहे तो वो सिर्फ मुंह से देवी के समान होती है, अंदर से स्त्रियों का कोई मोल नहीं होता। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह कविता लिखी है, और वह कविता इस प्रकार है। वाह रे नारी, क्या खूब निभाती हो तुम जिम्मेदारी, दुनिया को दिखाती हो पुरुषों से कम ना हो तुम, मगर अंदर सह जाती हो पुरुषों से मिली वेदना सारी। वाह रे नारी, क्या खूब निभाती हो तुम जिम्मेदारी, इस जिम्मेदारी से तुम्हें नाम मिला, ज्ञान मिला, समाज में बराबरी का सम्मान मिला, और इससे भी ऊंचा देखो महिला दिवस का खिताब मिला। इतना पाने के बाद भी तुम में जरा भी घमंड नहीं, शायद यही बातें समाज को ना मंजूर है। तभी तो आज भी भ्रूण हत्या और यौन शोषण का दस्तूर है, फिर भी तुम जिम्मेदारियां निभाए जा रही हो, पुरुषों की आक्रोश को अपनाए जा रही हो। आखिर कब तक बनेगी समाज में तेरी हिस्सेदारी,
वाह रे नारी, क्या खूब निभाती हो तुम जिम्मेदारी। धन्यवाद। मैं संचिता मंडल, मैं एंकर हूँ, एक बाय प्रोफेशन एंकर हूँ। अभी तो फिलहाल मैं आसनसोल में हूँ, आसनसोल मेरा होम टाउन है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इस पे आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं को संदेश ये देना चाहेंगे कि आजकल आप देख रहे हो जैसे पहले जैसा जो माहौल था पहले अभी नहीं है, यह अभी बहुत चेंज हो गया है पहले से। और अभी दोनों लड़के लड़कियां दोनों ही कदम पे कदम मिला के चल रहे हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि हर फील्ड में, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ये तो है ही, आजकल इवेंट्स में जैसे मैं हूँ एंकरिंग कर रही हूँ इवेंट्स में, और फिर टीचर जो लोग है, पायलट, अभी हम लोग हाल ही में देखे जो अटैक हुआ था उसके वहाँ पे एक ही सिर्फ लेडी थी। हाँ, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आजकल जैसे पहले ऐसा जो माहौल है वो बिल्कुल भी नहीं है। पहले ऐसा लड़कियाँ घर पे बंद रहते थे, ऐसा नहीं है। अभी उनके पेरेंट्स भी बहुत इनक्रेज कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, तो मुझे तो लग रहा है ये बहुत आगे बढ़ रही है अभी। आपको लगता है कि महिलाओं के साथ आज भी जाती होती है, उन्हें रोका जाता है या उन पे दबाव, एक्स्ट्रा दबाव रहता है? हाँ, ये तो है। तो क्या दबाव होता है, क्या आपके क्या सुझाव? अभी तक मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने मेरा देखा हुआ है बहुत जगह में कि वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनका हस्बैंड या घर पे रोक टोक करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो अपने ऊपर है, उनको वो चीज से बाहर आना चाहिए, जो वादा है, जो विपत्ति है उससे उसको खुद बाहर आना चाहिए, जो महिला है आजकल। क्या सुझाव देना चाहेंगे उन पुरुषों को जो अपने महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देते या काम नहीं करने देते? जो नहीं करने देते उन लोग के लिए मैं बोल रही हूँ कि देखिए, जब ये एक औरत जब घर भी संभाल सकती है तो मेरे ख्याल से वो बाहर भी उतनी अच्छी तरह से संभाल सकती है। दोनों तरह, मैंने एक औरत को बनी गई है उसी तरह से कि ताकि वो बाहर और घर दोनों संभाल सके, तो इस बात को आप नज़र पे रखते हुए अपने जो घर पे औरत है या बेटी है या माँ बहन जो भी है, तो उनको काम पे निकलने दे या अपने तरीके से अपना लाइफ जीने दे। अच्छा, अभी समाचार या न्यूज खबरों में आप सुनते हैं कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होता है, तो ऐसे पुरुषों को या ऐसे युवकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि औरतों का सम्मान करें, है ना? हाँ, ये तो बहुत एक गंभीर ये जो आलोचना है अभी तो बहुत ये चल रहा है बहुत चीज़ में, क्योंकि इन लोग यहाँ पे हम जो देख रहे हैं अभी तक उम्र नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि एक 8 साल की बच्ची या फिर एक 80 साल की औरत, यहाँ कोई उम्र नहीं देखा जा रहा है। तो उन पुरुषों के मैं पता नहीं, उन लोग के घर पे मुझे लग रहा है ज़्यादा संस्कार थोड़ा और बढ़ाने चाहिए। ज़्यादातर वो पुरुष से डायरेक्ट बोलने के बजाय मैं उनके घर पर भी थोड़ा बोलूँगी कि उन पर थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका घर पर भी माहौल वैसा बना हुआ है जो इतना दूर गुजार है। तो आप लोग के लिए भी है, जो लोग आप लोग सोचते हैं कि नहीं, जो मैं बहुत जगह सुनती हूँ कि जब भी ये छेड़छाड़ होती है तो अक्सर यहाँ तक कि पुलिस भी पूछते कि आप क्या कपड़े पहने हुए थे। ये कपड़ों पे डिसाइड नहीं होता है कि एक लड़की क्या कर रही है नहीं कर रही है, उसका कैरेक्टर कपड़ों पे कभी डिसाइड नहीं होता है ना, मुझे तो इतना लगता है। आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को देखा और अगर ये अच्छा लगे तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग इसे शेयर लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए CFM न्यूज़ चैनल आप लोगों का आभारी रहेगा और हम लोगों का उत्साह बढ़ेगा, तो हम लोग नए नए मुद्दे को आप लोगों के समक्ष रखते रहेंगे जिससे समाज को फायदा होगा। धन्यवाद।